हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो लेक्चर है या जो हमारा वीडियो है वो फोकस करेगा डीएनए के ऊपर। हम कैसे डीएनए को सेल से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करके उसको प्यूरीफाई कर सकते हैं, सो दैट हम जो डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस हैं लाइक पीसीआर और अदर एप्लीकेशन जो है उसके लिए गुड क्वालिटी डीएनए हम आइसोलेट कर सकें सेल से। इस पर हमारा आज का लेक्चर फोकस करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो आपको पता है डीएनए जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इट्स ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ एक नाइट्रोजन बेस, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, दो स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रैंड जो है हेल्ड टुगेदर बाय ईच अदर बाय ए हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी आपस में जो है इधर हेल्ड टुगेदर बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी जो है इधर हेल्ड टुगेदर बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दे आर एंटी पैरेलल, दे आर पैरेलल बट दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। अच्छा, डीएनए क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड है, इट मेक्स इट ए वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। स्टेबल मॉलिक्यूल, इसकी शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आरएनए विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो आगे चलेंगे हम इसके सोर्स की बात करेंगे। जब हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं हम कौन कौन से सोर्स हमें काम आ सकते हैं, लिटरली एनी थिंग विच इज लिविंग टिश्यू से कुछ भी लीजिए, आप ब्लड सैंपल लीजिए, हेयर सैंपल, स्पर्म सैंपल, बोन, नेल्स, इवन फ्रेश सैंपल के अलावा अगर आपके पास फ्रोजन सैंपल्स हैं और अगर आपके पास एंशियंट टिश्यूज हैं जो पुराने किसी फॉसिल से या किसी पुरानी चीज़ के आपके पास सैंपल हैं, आप उसमें से डीएनए निकाल के उससे आप कुछ भी एनालिसिस अचीव कर सकते हो। जैसे एप्लीकेशन डाउनस्ट्रीम आ जाती हैं, आपके पास पीसीआर चलाना है, आपको रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करनी है, आपको फिंगर प्रिंटिंग करनी है, सीक्वेंसिंग करनी है, आप कुछ भी कर सकते हैं डीएनए आइसोलेट करके ऊपर किसी भी सोर्स से। एक बड़ा शॉर्ट में जो प्रोसीजर है वो आपका रहता है कि आपके जो सेल्स हैं दे नीड टू बी लाइज्ड फर्स्ट। वंस द सेल्स हैव बीन लाइज्ड, जो कंटेंट्स हैं सेल के जब बाहर आ जाते हैं उसमें चार मेन चीज़ें होती हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड्स में मेजरली आपका डीएनए और आरएनए। तो आरएनए को आप सेपरेट कर लेते हो यूजिंग आरएनएजेस, प्रोटीन को दूर कर लेते हो यूजिंग प्रोटीएजेस, लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स को आप रिमूव करोगे यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसलिए जो आपका जो मैनुअल मेथड है डीएनए का, जो डीएनए आप बाहर निकालते हो सेल्स में से, उस मैनुअल मेथड को हम ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, ऑर्गेनिक मेथड भी कहते हैं। तो वंस डीएनए हैज बीन सेपरेटेड यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट डीएनए कैन बी प्रेसिपिटेटेड यूजिंग इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। एंड वंस इट हैज बीन प्रेसिपिटेटेड, उसके बाद कितना अमाउंट है उसके बेसिस पे यू आइदर कैन स्पूल इट, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, और यू कैन सेंट्रीफ्यूज करके आप पैलेट बना सकते हो उस डीएनए का और उसको अलग कर सकते हो, एज एंड इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ द डीएनए। मूविंग ऑन, जो आपका एज मैंने कहा कि हम जो मैनुअल मेथड यूज करते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन का, उसको हम ऑर्गेनिक मेथड कहते हैं। उसमें आपका जो स्टार्ट होता है, पहली चीज जो लाइसिस है, इट इज अचीव्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ने के लिए, उसको रप्चर करने के लिए वो टिपिकली यूज है डिटर्जेंट। यहाँ पे जैसे लिखा है आपका, यू हैव एन एसडीएस विच इज अ डिटर्जेंट, सम अदर माइल्ड डिटर्जेंट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। आपका टिश्यू कितना सेंसिटिव है उसके बेसिस के ऊपर आप कितना हार्श या कितना माइल्ड डिटर्जेंट यूज करोगे ये वेरी करेगा। डिटर्जेंट के साथ आपने डाले प्रोटीनेज के, प्रोटीनेज के जो प्रोटीन्स हैं उसको तोड़ देगा, उसको डिग्रेड कर देगा। डाइथायोथेटॉल जो आपका डीटीटी है, इट इज ए एजेंट विच ब्रेक्स डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो प्रोटीन्स फोल्डेड होते हैं उनका जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उसको डिसरप्ट करता है ये डीटीटी, और प्रोटीन्स को ज़्यादा बनाता है आपका अवेलेबल टू द प्रोटीनेजेस। तो प्रोटीन्स जो हैं डिग्रेड हो जाते हैं बाय द यूज ऑफ प्रोटीएजेस। आरएनएज डाल के आप आरएनए को तोड़ सकते हो। अब बात रहेगी लिपिड्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की, जो डीएनए के साथ आपके हैं, उनको दूर करने के लिए आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका पीसीआई, पीसीआई इज फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल। ये तीन चीज़ों का एक मिक्सचर आप यूज करते हैं जिससे आपके जो जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो सारी इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाती हैं। डीएनए आपका डिजोल्व रहता है एक्वस फेज में या वाटर में। जब आप इस ऑर्गेनिक लिक्विड और वाटर के मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो यू विल हैव ए सेपरेशन ऑफ द लेयर्स। दो लेयर सेपरेट हो जाती हैं, एक ऑर्गेनिक लेयर, एक एक्वस लेयर। एक्वस लेयर को आपने अलग कर लेना है। एक्वस लेयर आपका, इट विल कंटेन योर डीएनए। द डीएनए इन द एक्वस लेयर कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय यूजिंग इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल या इथेनॉल, आइस चिल्ड प्रोपेनॉल या इथेनॉल को यूज करके आप डीएनए को प्रेसिपिटेट करा सकते हो। Once the DNA has been precipitated, I earlier told you, आपने DNA को अलग कर लेना है by spooling or by centrifugation
आपका पैलेट अलग हो जाएगा। जैसे ही आपका पैलेट अलग हो गया, आपने उस पैलेट जो डीएनए है आपका, जो पैलेट है आपका, उसको वॉश करना है इथेनॉल के साथ फिर से, एंड देन जो आपका ड्राइड पैलेट है, एयर ड्राइड पैलेट, उसको आपने डिजोल्व करना है पानी में, अल्ट्रा प्योर वाटर या टीई, ट्रिस ईडीटीए बफर है। ओके, तो वंस यू हैव डीएनए आइसोलेटेड एंड डिजोल्व इन वाटर और टीई, उसके बाद आती हैं उसकी प्यूरिफिकेशन के स्टेप्स, या अब उसको पता लगाना है वो कितना प्योर है और कितनी उसकी प्योरिटी और क्वालिटी क्या है। तो प्योरिटी के लिए आप उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस कर सकते हो, आपने उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, ओडी मींस ऑप्टिकल डेंसिटी, दो वेवलेंथ्स पे लेनी है, 260 नैनोमीटर और 280 नैनोमीटर, दोनों की रेशियो देखनी। आजकल जो मशीन आती है दे विल गिव यू दिस रेशियो ऑन देयर ओन, तो आपने 260 और 280 पे उनकी रेशियो लेनी है, एंड देन इफ इट्स द रेशियो इज 1.8 इट मींस प्रोटीन फ्री डीएनए, आपका डीएनए में कोई प्रोटीन नहीं है। अगर ये वैल्यूज 1.8 से ऊपर जाती हैं या नीचे जाती हैं, इट विल शो द कंटामिनेशन बाय प्रोटीन्स और बाय आरएनए, तो आपका आरएनए या प्रोटीन कंटामिनेशन आपके सैंपल में है, जो आपने प्रोसेस की वो अच्छे से नहीं हुई, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, जिससे आपके जो फाइनल प्रोडक्ट में या आरएनए या प्रोटीन आया, अगर ये वैल्यू 1.8 से ऊपर या नीचे जाती है। तो जब एक बार आपने इसकी प्योरिटी देख ली, उसके बाद आप जाते हो जेल एनालिसिस के लिए, ताकि कब स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देख सको कि डीएनए आपका इंटैक्ट है या डीएनए आपका टूटा हुआ या शेयर हो गया है। उसके लिए आप यूज करते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रोसेस है एक बड़ा, पहले आप ये देख लीजिए, इट्स ए ब्रीफ सॉर्ट ऑफ प्रोसेस आपको दिया है। आपका जो डीएनए सोर्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्लांट सोर्स है, आपने उसको सबसे पहले क्रश कर लेना है, प्लांट मटेरियल को क्रश करने के बाद उस बफर में, आपके लाइसिस बफर में क्रश कर लेना है, वो डाल के उसमें चटनी सी बना लेनी है, क्रश कर लेना है, एंड देन यू ट्रांसफर इट टू ए ट्यूब। ट्यूब में ट्रांसफर करने के बाद आपने उसको डिफरेंट स्टेप्स तक ले जाना है, उसको आपने उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है, देन आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालने के बाद एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर्स अलग हो जाएंगी, उनको अलग करने के बाद आपने डीएनए को एक्वस फेज में लेके उसको प्रेसिपिटेट करा लेना है। वंस इट इज प्रेसिपिटेटेड, उसको आपने डिजोल्व करना, पहले वॉश करना है इथेनॉल से और डिजोल्व कर लेना है पानी के अंदर या टीई के अंदर। तो ये बिल्कुल ब्रीफ सा एक फ्लो चार्ट है जो आपको पूरा प्रोसेस बता रहा है। मूविंग ऑन, इफ यू सी आपके पास, अभी बात कर रहा था कि जब एक बार आपने डीएनए निकाल लिया, उसकी आपने स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी इंटीग्रिटी चेक करनी है कि क्या वो डीएनए टूटा हुआ है या क्या वो डीएनए स्ट्रक्चरली इंटैक्ट है, उसके लिए आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपके सबसे पहले आपके पास, इफ यू सी वी हैव दिस सेटअप इज हेयर, सो वंस ऑर्गेनिक मेथड इज डन, एक्वस फेज डन, हाँ, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वी हैव दिस। तो सबसे पहले हमारे पास, आप देखो कि दो तरह के जेल्स हम यूज करते हैं, बड़ी सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जेल इज एग्रोज जेल, विच इज द मोस्ट चीप एंड इज कॉमनली यूज। पॉलीक्रिलामाइड जेल्स आर यूज जब आपको बहुत ज्यादा फाइन रिजल्ट चाहिए हो, तब आप पॉलीक्रिलामाइड यूज करते हैं, अदरवाइज एग्रोज इज परफेक्टली फाइन। देन वॉट यू नीड टू डू इज, जब आपने, अब आपको पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, सिंस डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट के अंदर चलाते हैं तो डीएनए विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, सारे के सारे डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। अब क्योंकि आपके उस डीएनए मॉलिक्यूल में जो आपका सैंपल है उसमें अलग अलग साइज के डीएनए हो सकते हैं, तो जो छोटे वाले डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, तो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से आगे भाग जाते हैं, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं चलने में। तो अगर आप इस मूवमेंट के बीच में एक जेल डाल दें, मतलब आप डीएनए को जेल में से मूव कराएं, जेल जो है एक सीव की तरह काम करता है, एक छननी की तरह काम करता है, छोटे मॉलिक्यूल इजिली मूव कर सकते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको और टाइम लेगा, एक तो वो पहले ही साइज में बड़े हैं, दे विल मूव स्लोली, प्लस अब एक जेल भी आ गई बीच में जिससे उनकी मूवमेंट ओवर रिटार्ड हो जाती है। तो इसकी मदद से जो छोटे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े डीएनए मॉलिक्यूल से इजिली सेपरेट आउट हो सकते हैं यूजिंग ए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ, डीएनए को विजुलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं एक डाई विच इज नोन एज इथीडियम ब्रोमाइड। ये आप जेल बनाने के टाइम ही बीच में डाल देते हैं, या कुछ लोग पोस्ट स्टेनिंग भी करते हैं, बट मोस्टली इसको जेल बनाने के टाइम ही बीच में डाल देते हैं। ये जब डीएनए इसके ऊपर रन करेगा, ये डाई जो है डीएनए के बीच में घुस जाएगी, ये डाई डीएनए के बेसिस के बीच में घुस जाती है, इसे आप इंटरकैलेटिंग डाई भी कहते हैं। और इस डाई के ऊपर जब यूवी लाइट गिरती है तो ये स्टार्ट कर देती है फ्लोरीस करना, ये स्टार्ट कर देती है चमकना। तो आपको मैं अभी पिक्चर दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सेटअप तो ये है बिल्कुल आपका, कि आपके पास एक जेल
आपने कास्ट किया है, एग्रोज जेल कास्ट किया है, कॉमनली यूज जेल एग्रोज ही है, ये कैसेट है, इसमें आपने डाल के जैसे सांचा जैसा है इसमें आपने जेल कास्ट कर दिए, तब इसको आप डालते हो, इसमें आप कोशिश करते हो, आप मतलब मेक श्योर करते हो कि आप यहाँ पे गैप्स रखो जहाँ पे आपका डीएनए लोड होगा, इन गैप्स को आप वेल्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपने डीएनए लोड किया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई है। तो वंस द डीएनए इज लोडेड, इस टैंक में बफर रहता है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जैसे ही बफर, जैसे ही आपने करंट ऑन की पावर सप्लाई से, तो डीएनए विल स्टार्ट फ्रॉम रनिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। अब जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो आगे पीछे रह जाएंगे, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो आगे चले जाएंगे। ये ब्लू कलर इसलिए आपको यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है, डीएनए की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए हम एक ट्रैकिंग डाई डालते हैं डीएनए के साथ मिक्स करके, उसे आप बोलते हैं ब्रोमोफिनोल ब्लू। कई बार जाइलिन साइनॉल भी डाली होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोमोफिनोल ब्लू एंड जाइलिन साइनॉल, बट मोस्टली ब्रोमोफिनोल ब्लू विल डू द वर्क। तो ब्रोमोफिनोल ब्लू इज एडेड अलॉन्ग विद द डीएनए सैंपल टू ट्रैक इट्स मूवमेंट, एंड हेंस इट इज नोन एज ट्रैकिंग डाई ऑल्सो। मूविंग ऑन, तो आप ये पिक्चर पे फोकस करिए, ये देखिए जैसे ही आपने डीएनए को रन कर लिया, जितना आपको चाहिए उतनी देर तक रन कर लिया, उसके बाद आपने जैसे ही उस जेल के ऊपर यूवी लाइट गिराई है, देखिए यूवी ट्यूब्स लगी है नीचे, और जैसे ही यूवी के अंदर आपने उस जेल को देखना शुरू किया, तो ये देखिए ये चमक रहा है, ये जो चमक रहा है ये ऑल ईटीबीआर की वजह से, जिस तरह डीएनए है इट इज ऑल फ्लोरिसिंग बिकॉज ऑफ ईटीबीआर। ओके, सो आप इसको कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, एनालाइज करने के लिए यहाँ पे एक बार जाता हूँ पीछे फिर से, देखिए यहाँ पे जो आपके पास ये आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर या डीएनए मार्कर या डीएनए लैडर, एक तरह का स्केल है जिसमें अलग अलग साइज के डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, और ये साइजेस कंपनी ने हमें बताया होता है कि कौन सा साइज क्या है, इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जो हमने एक्सट्रैक्ट किया बाय ऑर्गेनिक मेथड वो किसके सामने आएगा, किसके इक्वलेंट है। अगर ये वाले बैंड के इक्वलेंट आ रहा है ये, तो इस बैंड का साइज हमें पता होगा, लेट्स से इट इज 200 बेस पेयर, तो 200 बेस पेयर का ये डीएनए आपका है, ठीक है, जितना ऊपर होगा उतना हैवी, जितना नीचे होगा उतना लो मॉलिक्यूलर वेट। तो मूविंग ऑन, देखिए यहाँ पे कुछ एनालिसिस दिखाई है आपको, जैसे एक जेल चलाई आपने, उसमें आपके पास ये रिजल्ट आया, ये आपने रिवर्स कर लिया फोटो, जो चमक रहा था उसको ब्लैक कर लिया, और जो बाकी को राइट, इसमें आपको इजी हो जाता थोड़ा सा एनालाइज करना, रिवर्स कर लिया फोटो आपने, ये जो आपका देखो यहाँ पे बिल्कुल डीएनए एकदम इंटैक्ट है, दिस इज इंटैक्ट डीएनए, और ये जो नीचे आप यहाँ पे आपको देख रहे हैं छोटी छोटी ये मॉलिक्यूल, ये आपके आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। तो आरएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सिंस प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे प्रेजेंट है मीन्स ये आरएनए सारा डिग्रेड हो गया यहाँ पे, और इस वाले जेल में देखिए ये इंटैक्ट डीएनए है, देर इज नो आरएनए कंटेमिनेशन, ये बिल्कुल इंटैक्ट डीएनए है, कुछ अमाउंट ड्रैग हुआ है नीचे, कुछ आपका डिग्रेड हुआ है, ये जो ड्रैग्स हैं ये दिखा रहे हैं डिग्रेडेशन आपको, यहाँ पे देखिए ऊपर बिल्कुल नहीं है, ऊपर सारा का सारा डीएनए जो है वो डिग्रेड होके नीचे चला गया देखो। तो ये इस जेल की मदद से आप बता सकते हो वेदर आपका डीएनए बिल्कुल अच्छे से इंटैक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, या ड्रैग हो गए, खत्म हो गए, या ड्रैग हो गए, डिग्रेड हो गया, आपकी हैंडलिंग में कोई इशू हो गया, आपका सारा का सारा डीएनए डिग्रेड हो गया। तो इसकी मदद से आप बता सकते हो आपके डीएनए की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के बारे में, आप डीएनए को लोकेट कर सकते हो यूजिंग ईटीबीआर, प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको हेल्प करती है बताने में कि आपका डीएनए जो है प्योर है, या उसमें कोई आरएनए या प्रोटीन कंटामिनेशन तो नहीं है। तो ये आपका अभी हमने डिस्कस किया डीएनए कैसे निकालते हैं सेल से बाहर, और कैसे हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस आपको ये हो गया कि आपका डीएनए प्योर है, और आपने जेल पे भी चेक कर लिया कि आपका डीएनए डिग्रेड नहीं हुआ है, दोनों ही पैरामीटर्स पे आपका डीएनए जो सैंपल जो आपने आइसोलेट किया है वो खरा उतरता है, उसके बाद उस डीएनए सैंपल को यूज करके आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए जैसे जो बाकी एप्लीकेशन है उसमें आप यूज कर सकते हैं। इन द एंड एक बात और ऐड करूंगा, ये जो मैनुअल मेथड है डीएनए आइसोलेशन का, इट हैज बिकम लेस एंड लेस कॉमन बिकॉज आजकल मार्केट में कमर्शियल किट्स अवेलेबल हैं, वो किट्स काफी फास्ट होती हैं, आपका डीएनए क्वालिटी जो उसमें से निकलती है काफी अच्छी क्वालिटी का डीएनए निकलता है। तो उससे क्या होता है, जो आपका टाइम यूज होता है डीएनए निकालने में, अब उस टाइम को आप फोकस कर सकते हो अपने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे, ना कि आपका डीएनए आइसोलेशन पे। डीएनए आइसोलेशन हैज बिकम ए वेरी रूटीन प्रोसेस इन ए बायोटेक्नोलॉजी लैब। आप डिफरेंट ब्रांड की किट्स आती हैं उनको यूज करके, कमर्शियल किट्स हैं, ऑल आर पेटेंटेड, उनको यूज करके आप जल्दी से डीएनए निकाल सकते हो। लेकिन वो आपको ये सिखाएगा नहीं कि कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है, लेकिन अगर आपको सीखना है, अगर आपको पता लगाना है कौन सा कंपोनेंट का क्या रोल है डीएनए आइसोलेशन में, देन मैनुअल मेथड इज ए मस्ट। द मैनुअल मेथड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेथड।
किट्स मेक्स योर जॉब इजी बट देर पेटेंटेड. आपको पता नहीं कौन सा कॉम्पोनेंट आप डाल रहे हो कौन सा नहीं. उन्होंने लेबल किया होता है ए बी सी, कॉम्पोनेंट ए कॉम्पोनेंट बी बफर ए बफर बी, इस तरह से लेबल किए होते हैं. आपने उनको यूज करना है, उनको डालना है, आपके पास डीएनए गुड क्वालिटी का आ जाता है. लेकिन सीखने को आपको उसमें बहुत कम मिलता है. सीखना जब आपने है तब आपको मैनुअल मेथड को देखना है, ऑर्गेनिक मेथड को देखना है. दिस सो दिस वॉज आवर लेक्चर ऑन आइसोलेशन ऑफ डीएनए. आई होप आपको कुछ इसमें से इंफॉर्मेटिव मिला हो और आपके लिए यूजफुल होगा. आई विल ट्राई टू अपडेट बाकी टॉपिक्स भी. इसके बाद हम कोशिश करेंगे आरएनए आइसोलेशन को लेके और प्रोटीन आइसोलेशन और प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के ऊपर हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में. थैंक यू सो मच.